हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में मैं पौधों में युग्मक स्थानांतरण गैमेट ट्रांसफर की प्रक्रिया को समझाने के लिए परागण की प्रक्रिया के विषय में समझा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, यह आपको बताया था। पराग कोष से पुष्प की वर्तिकाग्र तक पराग कणों के ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। दो प्रकार का बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन मींस स्व परागण, क्रॉस पॉलिनेशन मींस पर परागण। आज हम स्व परागण के लिए पौधों में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या उसमें अनुकूलन या एडेप्शन होनी चाहिए, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है स्व परागण हेतु अनुकूलन, पौधों में क्या क्या एडेप्शन अनुकूलन होनी चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पौधों में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, उनके विषय में। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो पुष्प है, पौधे का जो फ्लावर है, वह बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होना चाहिए। यानी कि एक ही पुष्प में नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर दोनों प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उसमें स्व परागण हो सकता है। मैंने ये कहा है हो सकता है, द्विलिंगी होने पर बाइसेक्सुअल होना चाहिए पहली बार, लेकिन बाइसेक्सुअल होने पर ही स्व परागण होना जरूरी नहीं है, उसके लिए दूसरी कंडीशन है नर जननांग और मादा जननांग में समकाल पक्वता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समकाल पक्वता। पहला तो है पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, दूसरा है समकाल पक्वता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? द्विलिंगी पुष्पों में उपस्थित नर जननांग का पराग कोष और वर्तिका दोनों लगभग एक समय पर एक ही साथ परिपक्व हो, मैच्योर हो, तभी उनमें स्व परागण हो पाए। अगर दोनों का टाइमिंग परिपक्वता का अलग अलग है तो उनमें स्व परागण नहीं होगा। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, उसमें समकाल पक्वता होनी चाहिए। तीसरा, पौधे में पुष्प हो सकता है एक लिंगी हो, यूनिसेक्सुअल हो, लेकिन यदि उसमें स्व परागण होना है तो उसके लिए एक ही पौधे पर दोनों प्रकार के पुष्प, नर पुष्प और मादा पुष्प, एक ही पौधे पर होने चाहिए। पौधे की इस स्थिति को, एक ही पौधे पर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों उपस्थित होते हैं, इस स्थिति को कहा जाता है उभय लिंगाशय मोनोईसियस। मतलब स्व परागण के लिए पौधे को मोनोईसियस या उभय लिंगाशय होना चाहिए, उभय लिंगाशय होना चाहिए। ये बात हुई। तो तीन बातें हो गई, पुष्प द्विलिंगी हो, पुष्प में समकाल पक्वता हो और पौधा उभय लिंगाशय हो। चौथी बात है, पुष्प द्विलिंगी है तो उसके जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर है दोनों एक दूसरे के निकट होने चाहिए। कई बार क्या होता है, पुंकेसर छोटा और वर्तिकाग्र बड़ी होती है तो परागकण उस तक नहीं पहुंच पाते, वर्तिकाग्र छोटे होते, पुंकेसर लंबे हो जाते हैं तो भी नहीं होता है। तो दोनों की निकटता, यानी कि परागकोष और वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट होने चाहिए, जिनके जिससे उनके बीच में मिलने की संभावना बढ़ जाए और परागण होने की संभावना बढ़ जाए। तो जनन अंगों की निकटता होनी चाहिए, पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। ये बातें कुछ बातें बताई। कुछ पौधों में परागण को सुनिश्चित करने के लिए, परागण हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उनमें विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। एक ही पौधे में दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। पहला है चेस्मोगेमस फ्लावर, मीन्स उन्मिल परागणी पुष्प, इसको बोलेंगे हम उन्मिल परागणी पुष्प। उन्मिल परागणी पुष्प का तात्पर्य है ऐसे पुष्प जो द्विलिंगी होते हैं और ओपन हो जाते हैं, परिपक्व होने पर खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं।
ऐसे उन्मिल परागणी पुष्पों में को चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं, जिनमें स्वयं परागण और परपरागण दोनों होने की संभावना रहती है। लेकिन इन्हीं पौधों में दूसरे प्रकार का पुष्प और पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टोगेमस फ्लावर अनुन्मिल्य। अनुन्य मिल्य परागणी पुष्प, अनुन्य मिल्य परागणी पुष्प क्रिस्टोगेमस फ्लावर। इसके लिए अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड के प्रश्न पेपर में आता है कि भाई अनुन्य मिल्य परागणी पुष्प या क्रिस्टोगेमस फ्लावर किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, ऐसे द्विलिंगी पुष्प, ऐसे द्विलिंगी पुष्प जिनमें जो कभी ओपन नहीं होते, ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी ओपन नहीं होते, खुलते नहीं है, अनावर्त नहीं होते हैं, हमेशा ढके रहते हैं, बंद रहते हैं, उनको हम क्रिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। अब चूंकि ये पुष्प द्विलिंगी है, कभी खिलते नहीं है, तो इनमें पर परागण कभी नहीं होता, केवल स्वयं परागण होता है। इन पौधों के उन्मिल परागणी पुष्प जो ओपन होते हैं, अगर उनमें स्वयं परागण अथवा परपरागण नहीं भी हो, तब भी इन पौधों के अनुन्मिल परागणी पुष्पों में क्रिस्टोगेमस फ्लावरों में स्वयं परागण तो होगा ही होगा। ऐसे पौधे कुछ है, सभी में नहीं पाए जाते, जैसे वायोला या पांसी, ऑक्जेलिस या जनकस, ऑक्जेलिस या जनकस, और तीसरा है कोमेलिना या कनकौवा। दोबारा जान दो, वायोला या पांसी, दूसरा है ऑक्जेलिस या जनकस, और तीसरा है कोमेलिना या कनकौवा। इन पौधों में ये दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, चेस्मोगेमस और क्रिस्टोगेमस। तो ये स्वयं परागण के लिए पौधों में अनुकूलन हुए कि पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, उसमें समकाल पक्वता होनी चाहिए, नर जननांग मादा जननांग एक दूसरे के निकट होने चाहिए, पौधा उभयलिंगाशयी होना चाहिए, और कुछ पौधों में ये विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि स्वयं परागण का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए, स्वयं परागण में एक ही पेरेंट्स भाग लेता है। अब चूंकि एक ही पेरेंट्स भाग ले रहा है, फिर भी इसको अलैंगिक जनन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, मतलब निषेचन होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक बनते समय इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन दोनों घटनाएं हो रही है, जो केवल लैंगिक जनन में होती है। इसलिए एक जनक होते हुए भी इसमें लैंगिक जनन होता है। लेकिन इस स्वयं परागण का, सेल्फ पॉलिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है पौधों के लिए, वो जान सकते हैं। स्वयं परागण होने से पौधों में नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते, जो उनके विशिष्ट लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत बने रहते हैं। पहला बात, स्वयं परागण से पौधों के अच्छे लक्षण यथावत बने रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। दूसरा, जो स्वयं परागण है, अगर बार बार हम स्वयं परागण करवाएंगे एक तो अपने आप उतारे करवाया जाता है कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से, बार बार स्वयं परागण करवाकर हम किसी भी लक्षण के लिए शुद्ध जनक, शुद्ध वंश क्रम प्राप्त किया जा सकता है। ये दो बातें। तीसरा है कि बार बार जब स्वयं परागण होता है तो इन पौधों में अप्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। कौन से लक्षण? अप्रभावी लक्षण प्रकट हो जाते हैं। बार बार स्वयं परागण कराने से अप्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। यदि वो अप्रभावी लक्षण हानिकारक हैं, तो ऐसे हानिकारक अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों को छांटकर अलग कर दिया जाता है, उनको नहीं उगाते आगे के लिए। तो स्वयं परागण से हम किसी जाति में उपस्थित हानिकारक अप्रभावी लक्षणों को दूर कर सकते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंस है। चौथी बात, स्वयं परागण के कारण कभी भी पौधे में विभिन्नताएं, वेरिएशन उत्पन्न नहीं होते, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, मतलब नए लक्षण नहीं आते, ये बात हुई। लेकिन इसकी एक कमी है, स्वयं परागण की एक सबसे बड़ी कमी है, वो क्या है ध्यान से सुनना, प्रश्न अलग से पूछा जाता है कि स्वयं परागण की सबसे बड़ी कमी क्या है। पहली कमी इसमें विविधता उत्पन्न नहीं होती, और दूसरी कमी कि बार बार स्वयं परागण कराने से इनमें अंत प्रजनन अवसाधन, ध्यान दो, अंत
प्रजनन अवसादन अंतः प्रजनन अवसादन या अंतः प्रजनन अवनमन उत्पन्न हो जाता है। अंतः प्रजनन अवनमन उत्पन्न हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि बार बार यदि स्वपरागण कराते हैं तो उत्पन्न होने वाली पीढ़ियों में संतति पीढ़ियों में लैंगिक जनन करने की क्षमता उत्तरोत्तर धीरे धीरे घटने लगती है। दोबारा ध्यान दो, बार बार स्वपरागण कराते रहने से उत्पन्न होने वाली संतति पीढ़ियों में लैंगिक जनन करने की जो प्रवृत्ति है, जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी को अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हुआ, स्वपरागण के लिए पौधों में क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई पौधों में जो स्वपरागण कर अंतः प्रजनन अवसादन होता है, इससे बचने के लिए पौधे अपने आप में क्या परिवर्तन करते हैं, अंतः प्रजनन अवसादन से बचने के लिए पौधे कौन कौन से अनुकूलन डेवलप करते हैं, अथवा स्वपरागण को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए और परपरागण को प्रोत्साहित करने के लिए पौधे अपने आप में क्या चेंजेस करते हैं, इसे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।